हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। और इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं और देखेंगे इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान डबल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया 282 आइटम्स 140 मिलियन। देखेंगे इससे रिलेटेड वीडियो पाकिस्तान इंडिया के। देखिए कितनी भी दुश्मनी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो है बिजनेस हर कंट्री से कुछ ना कुछ चलता रहता है और पड़ोसी हैं, बहुत करीबी हैं, तो बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ट्रेडिंग का ये चलता रहता है, कुछ सामान लेना कुछ सामान देना। डबल इम्पोर्ट कर दिया है पाकिस्तान ने, यानी कि डबल सामान इंडिया से लेगी पाकिस्तान लेगा। तो वीडियो को पहले देख लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, गाइस दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूं और उनसे पूछूंगा कि भाई क्या आप बता सकते हैं कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं। इसके इस बात का रिव्यू लेने के बाद मैं कहूंगा कि भाई हम ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी इंडिया के साथ। हमने इंडिया से लाइक 283 प्रोडक्ट हमने आइटम्स इंडिया से मंगवा चुके हैं और 60 दिनों के अंदर 140 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस भी दे चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिव्यू आता है, आइए मिलकर देखते हैं। ठीक है जी। तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? यूनस। करते क्या हैं जी? मैं इधर मार्केट में ऑर्डर टेक कर रहा हूं। जबरदस्त। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि क्या पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन मुल्क है और दुश्मन मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखना बिल्कुल ही सही नहीं। आप कश्मीर का टॉपिक देख लें, क्या कुछ नहीं उन्होंने किया, पूरी दुनिया। कश्मीर को हम एक साइड पर रखेंगे, पहले ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ट्रेड करने से ये है कि हमारे ताल्लुकात ख़त्म होंगे। क्या आप मेरी बात सुने, एक मिनट में मेरी बात सुने, जंग चाहते हैं आप इंडिया के साथ? जी बिल्कुल नहीं चाहते। जंग तो अब वो बंदूकों वाली तो जंग है नहीं जनाब, अभी एटमी जंग है, बटन दबाए एटमी जंग भी नहीं है। अभी अभी अगर जंग होती है तो सिर्फ और सिर्फ बायो जंग चलेगी और बायो जंग का आपको पता है कि कितने नुकसानात होते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ट्रेड के, मैं आपको फ़ायदे बता रहा था कि ट्रेड के बे इंतहा के फ़ायदे हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपस में ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया कर भी रहे हैं ट्रेड, हम इंडिया से दवाइयाँ मेडिसिन ले रहे हैं। अगर मेडिसिन ना लें तो आपको पता कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, मैंने पाकिस्तान मैंने ये बना ही नहीं रहा मेडिसिन। अगर ट्रेड बंद हो जाती है तो जो मेडिसिन हमें सस्ती मिल रही है और हमारे जो मेडिकल स्टोर्स हैं अपनी, जो जो हमारे बीमार हैं, मेडिसिन कहाँ से पूरी करेंगे? सर देखें ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इंडिया के अलावा और भी अदर कंट्रीज हैं जिनसे मतलब हमारे ताल्लुक हैं। इंडिया से लेने का एक हमें बेनिफिट ये है कि हमें चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं और डिस्टेंस जो हमें पेट्रोल हमारे जो हमें गाड़ियों का जो मतलब कि अमेरिका से कनाडा से मंगवाओ तो हमें वो गाड़ी का जो जहाज में जो हमारी मेडिसिन आएंगी उसका तो कॉस्ट ही बहुत बढ़ जाएगा ना हमें। इंडिया और पाकिस्तान तो एक बॉर्डर से है जो थोड़ा फासला ही है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप अपने माइंड सेटअप से सोचेंगे, मैंने अपनी बात करनी है। जो भी है मैं तो नहीं चाहता कि हमारे इंडिया से ट्रेडिंग हो, ठीक है? क्या वजूहत है? मैं इसको अच्छे इंडिया कोई भी पहलू देख रहे हैं हमारे साथ, उन्होंने मतलब क्या कुछ नहीं किया हमारे वहाँ जो क्या पे, मैं तो नहीं चाहता कि उधर हमारी कोई ट्रेडिंग हो। आप नहीं चाहते कि हमारी उनके साथ सुलह हो जाए? यार सुलह तो होनी चाहिए, जब हम ऐसे मेरी बात सुने, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं नहीं सुलह हो जाए, अच्छी बात उनके साथ हमारे, जब हम इस तरह का रवैया रखेंगे कि नहीं होनी चाहिए, उन्होंने हमारे साथ ये किया तो हमने भी तो बराबर का जवाब दिया ना। फ्यूचर में अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ करने की कोशिश की है तो आपने जवाब नहीं दिया? वो हमसे ताल्लुकात अच्छे करें, हम उनसे अच्छे ताल्लुकात करें। मुसलमान हमेशा पहले अच्छाई का हाथ बढ़ाता है, मुसलमान ही पहल कर लेते हैं, हम ही पहल कर लेते हैं और जब आगे से मतलब पॉजिटिव जो असरात मिले ना तो फिर कोई हर्ज नहीं है ट्रेडिंग की ना की जाए। मैं नहीं समझता कि आप किसी इंसान को आप कहकर बुलाए वो आगे से तू का जवाब दे सकता, कोई भी इंसान। मैं हिंदू मुसलमान की भी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, हम हिंदू मुस्लिम की बात ठीक है एक साइड पे रख देते हैं, बहसियत इंसान बने हुए इंसान जो है ना, हम उस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है हम पहल करते हैं, अगर वहाँ से अच्छे रिस्पांस मिलते हैं हमें तो मेरे ख्याल में फिर कर लेनी चाहिए ना। अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड चल रही है, आपको पता ही होगा पाकिस्तान ने इंडिया से 283 प्रोडक्ट मंगवाई हैं
किस्म की प्रोडक्ट मंगवाई है और इससे जो जो बिजनेस जनरेट हुआ है, जिसे पैसे मिले हैं, वो 140 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस हो चुका हमारे दरमियान। देखें कि हम कोई चीज़ उधर से मंगवाएंगे, उधर से कोई चीज़ इधर आएगी, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे तलुका ठीक हो जाएंगे इंडिया से, हमें जंग करके कुछ मिलेगा वहाँ पर यहाँ पर अगर 22 करोड़ है तो वहाँ पर 28 करोड़ मुस्लिम। जंग का तो सर फायदा ही नहीं है, जंग तो कोई भी हालात हो, जंग तो होनी नहीं चाहिए, ख्वाह वो हमारे इंडिया से हो, अमेरिका से हो, किसी भी कंट्री से हो, जंग तो होनी नहीं चाहिए। जी जी, आज थोड़ा इस तरफ आ जाए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप जी? क्या हमारी ट्रेड होनी चाहिए इंडिया के साथ के नहीं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारा जैसा भी है, हम साया मुल्क है, हमें तो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि जो मुल्की मफाद में फैसले हों वो हमें करने चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि इससे इस तरह के मैसेज जब बॉर्डर पार से भी कोई लोग देखेंगे, बॉर्डर पार से इस तरह का मैसेज चला जाएगा तो उनके दिल में भी हमारे लिए मोहब्बत पैदा होगी कि वहाँ से भी नफरतें नहीं आ रही, मोहब्बत आ रही है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम जो है वो पुरअमन मजहब है और हमें पुरअमन रहने की वो तकी है। आपने दिल जीत ली मेरी भी और बहुत सारी ऑडियंस की, मुसलमान इंडिया से पहल की है मुज़ाकरात करने की और जो हमारे दरमियान खलश है उसको ख़त्म करने की, क्योंकि एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी हम हमेशा यही करते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे खित्ते में पुरअमन होना चाहिए सिस्टम, किसी किस्म की कोई जो है लड़ाई झगड़ा जो है वो अच्छा नहीं, क्योंकि वो दोनों मुल्कों के लिए नुकसान दे, क्योंकि एटमी पावर है दोनों मुल्क, तो जब कभी भी कोई मसला होगा इस तरह का तो नुकसान है, पूरी दुनिया का नुकसान है, लिहाजा हमें ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड में दोनों मुल्कों का फायदा है। बिल्कुल, दोनों मुल्कों। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ भारत के साथ, कोई भी मुल्क है दुनिया के किसी भी खिते में जहाँ से हमारी मईशत को फायदा पहुँचा है हमें वहाँ ट्रेड करनी चाहिए। हमारी पाकिस्तान ने अभी तक तरक्की नहीं की, उसके पीछे क्या वजूहत लगती हैं आपको? उसके पीछे हमारी जो पाकिस्तान की तरक्की ना करने की वजह है वो सियासी पार्टियाँ हैं, कोई भी सियासी पार्टी है, चाहे वो नून लीग वाले हैं, चाहे पीटीआई वाले हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है, ये तीन बड़ी पार्टियाँ हैं, ये अपने अपने मफाद की जंग लड़ते हैं, इनको मुल्क का, मुल्क की आवाम का ज़रा भी एहसास नहीं है। करते क्या? मेरा ये इंश्योरेंस सेक्टर से तल्लक है। माशाल्लाह, वेरी नाइस सर। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है, क्या इंडिया के साथ हमें दोबारा ट्रेड करनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में हर्ज कोई नहीं है, आपको कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी महंगी मिलती हैं। एग्जैक्टली, जैसे कि काफ़ी हैं, कॉटन जैसे टेक्सटाइल की हैं, कुछ मेडिसिन है, कुछ आपको वैसे मशीनरी आइटम्स हैं जी, तो ये अगर आप इंडिया से डायरेक्ट वाघा के थ्रू ले सकते हैं सस्ती, तो इसमें हर्ज कोई नहीं है, बल्कि आप इसको ओपन करें तो दूसरे इश्यूज जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे आपके। बिल्कुल, तो इन फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको कि अभी रिसेंटली हमने इंडिया से बहुत सारी चीज़ें मंगवा चुके हैं, हमें लगे लाइक 283 ऐसे प्रोडक्ट हैं कि ऐसे आइटम्स हैं जो कि हमने इंडिया से मंगवा चुके हैं अभी तक, और 60 दिनों के अंदर हमने इंडिया ने तकरीबन हमसे कर लिया है कि 1.40 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस भी कर लिया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें अपना खुद का फील होना की ज़रूरत है कि नहीं इस टाइम? नहीं, खुद को फील होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो एक लॉन्ग रन प्रोसेस है। बिल्कुल, उसमें ये है कि 5-10 साल के मंसूबे होते हैं, अभी जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स हैं वो और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप बनाने में अभी माहिर नहीं हैं, वो आप बेशक इंडिया से डायरेक्ट मंगवा लें, बजाय इसके कि आप किसी और वास्ते से बुलाएं उसको, आप इम्पोर्ट करें, आप डायरेक्ट इम्पोर्ट कर लें और साथ में जो है आप अपने लोगों को ट्रेन करें ताकि वो अगले 5-10 साल के अंदर जो है वो इस काबिल हो सकें कि वो उन चीज़ों में ख़ुद को फील हों। आप बेशक बना के उनको इम्पोर्ट करके उनकी कॉपी शुरू कर दें करनी, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फिर बेहतर होती जाएगी क्वालिटी आपकी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है इंडिया के साथ ट्रेड करने में। मेरा सही, तो कोई पीस का मैसेज दे दे लास्ट पे, कोई प्यार का, जिससे दोनों तरफ बॉर्डर की उस तरफ भी इस तरफ भी सिर्फ मोहब्बतें ही मोहब्बतें हों। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने जज्बात को काबू रखें, बॉर्डर्स पे जो टेंशन चलती है दोनों तरफ वो दोनों अफवाज की हिकमत अमली होती है, किसी ने कुछ पॉइंट को गेन करना था, किसी ने कुछ को, लेकिन आवाम को चाहिए कि वो अपने जज्बात को कंट्रोल करें और जो उनके लिए बेहतर है दोनों आवाम के लिए वही जज्बात का इजहार करें। आप अगर फौजों के पीछे चलेंगे तो फिर हम ये सदियों तक लड़ाई ख़त्म नहीं कर सकते ये वाली बात। बिल्कुल, तो आप अपने जज्बात को जो है ना वो रखें, बाकी हार जीत, इलाके फतह होने या शिकस्त होनी ये रूटीन का हिस्सा होता है, ये हर आर्मी के साथ होता है, किसी एक आर्मी के साथ नहीं है, इवन के सुपर पावर्स भी बाज़ दफ़ा जंगे हार जाते हैं, तो अगर कहीं पाकिस्तान को कहीं पीछे हटना पड़ता है या इंडिया को पीछे हटना पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फतह शिकस्त है, ये उनकी हिकमत अमली होती है हर आर्मी की अपनी, उसने कहाँ पे मजबूत रहना कहाँ पे पीछे हटना है। ये अपने मफाद के लिए लड़ते हैं, अपने मफाद के फैसले करते हैं, तो इस तरह से इन हुक्मरानों ने
अपने लिए ही किया, जो कुछ किया। गरीब आवाम जो है एक हकूमत में नहीं, सब हकूमतों में वो गरीब जो है वो गरीब से गरीब हुआ है और अमीर जो है वो अमीर से अमीर होता गया। ये देखिए ना, हम कह रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान है और ये हमारे सियासतदान भी तो मुसलमान है, काफिर तो नहीं है या कोई या कोई और मज़हब से तल्लुक़ तो नहीं रखते। ये मुसलमान होने के बाद मुस्लिम जो उनसे नीचे, इनके नीचे जो कबीना है हमारी जो आवाम है, इनका भी नज़र नहीं आ रही। इनको करप्शन करके तबाह कर दिया, इस मुल्क को लूट लिया, इन सबका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर ये इन्होंने पॉलिटिशियंस ने किया तो इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? ये जो इन्होंने किया है, ठीक है, आपकी बात सही है कि ये भी मुसलमान है, लेकिन जब ये सियासत में जाते हैं ना तो सियासत एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर इनका जो ईमान वाला जज्बा है मेरे ख्याल में कमज़ोर पड़ जाता है। पैसा देखने मुफादात जो है वो आगे आ जाते हैं, इनको वो तरजीह देते हैं अपने मुफादात को। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। जो इनकी सज़ा है वो तो इन गरीब लोगों को, इन्होंने बहुत नुकसान किया, हमारे मुल्क का नुकसान किया, तो इनको बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी जो अदलिया है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, कानून के जो भी इदारे हैं, इनके साथ वो अपने कानून के साथ निपटें, क्योंकि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। बिल्कुल, आप थोड़ा नज़दीक आएंगे, आप क्या लगता है आपको कि इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं? वैसे देखा जाए ना, थोड़ा नज़दीक आ जाए, जी जी जी, वैसे देखा जाए तो सुलह सलामती से रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वो ठीक बात कर रहे हैं, अमन अमान रहना चाहिए, सुकून से आराम से प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं भी लोगों का कोई ख्याल करें, हम अब ये नहीं कि सियासत लोग अपनी जेब में भरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए भी, वो भी इंसान। बिल्कुल, हम अपने जज्बात को जो है वो काबू में रखें। मैं ये बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। इन्हें नाइस टू टॉक विद यू, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, ट्रेडिंग रिलेशनशिप, और पाकिस्तान ने जो 283 282 करके कुछ आइटम्स हैं वो जो इंपोर्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब 60 दिन के अंदर बहुत बड़ा 140 मिलियन का बिजनेस कर लिया है। सो ये एक बहुत बड़ा उछाल है, डबल कर देना, मतलब कुछ जो पहले बहुत आधा बिजनेस हुआ करता था उसको डबल कर दिया है, तो ये एक अच्छी एक निशानी है रिलेशनशिप की, बिजनेस रिलेशनशिप। बाकी जो भी जंगें चलती आई हैं वो चलती आई हैं, इसमें एक जो भाई साहब थे स्टार्टिंग में वो तो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते थे इस चीज़ से, कहते थे नहीं होनी चाहिए भैया, भाड़ में जाए बिजनेस कुछ भी नहीं होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान के बीच, क्योंकि उनके अंदर खुन्नस भरी हुई है वो वाली कि यार जंग चली हुई है, दुश्मन है, दुश्मन मुल्क से ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे यहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि उनके माइंड सेट में ये अभी बिजनेस वाली चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि बहुत से सोचते होंगे ये चीज़ें लोग, और सब जगह सोचते हैं ऐसे लोग कि यार नहीं होना चाहिए दुश्मन मुल्क से बिजनेस, लेकिन जब अगर आप देखें बिजनेस में फ़ायदा कितना है, तरक्कियां कितनी हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इन बातों में कुछ नहीं रखा है, उल्टी सीधी बातों में बिजनेस अच्छा करना चाहिए, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस एंकर ने बहुत ही सही बात कही इसके अंदर कि दूसरी जगह से अगर चीज़ें मंगाओगे तो दूर पड़ेगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा, लाने आने का, लाने ले जाने का जो भी सामान का है, और जो भी है बाई प्लेन या फिर बाई बोट जर होता है उसमें ज़्यादा खर्चा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो चार्ज ज़्यादा करेंगे, लोग आपके कंट्री में जाएगी चीज़ तो उसके पैसे ज़्यादा वसूले जाएंगे आपसे। क्यों? क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगी है, अब वो घाटे में तो नहीं जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट चाहिए, और बिजनेस करने के बाद कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको ऊपर करना है। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं, इसको दिमाग से अगर पब्लिक सोचे। बाकी लोगों ने अच्छी राय दी है कि जंगें नहीं होनी चाहिए और लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। अब ये इंपोर्ट किया है पाकिस्तान ने, अब देखते हैं कौन से आइटम हैं, क्या है, और बाकी इससे रिलेटेड आप जो भी कहना चाहें कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।